राज्य ने दी है 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी? किस राज्य ने दी है? आंध्र प्रदेश ने दी है। 26 जून 2022 को कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? मतलब पहले वहाँ पे गर्भपात कराना एकदम संवैधानिक था, अब उसको हटा दिया गया है। अमेरिका, नीति आयोग के CEO कौन बन गए हैं? ये वाला इम्पोर्टेंट है। अय्यर बने हैं। कौन? अय्यर, परमेश्वरन अय्यर। पहले कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? विजय अमृत राज को। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 27 जून को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से मेडी सेफ दवा से रिलेटेड योजना है? केरल की सरकार ने लॉन्च किया है। किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिल गई है? जब भी मिलेगा तो उत्तराखंड में मिलेगा। कैसा है मांसाहारी पौधा? रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। उप विजेता मुंबई है। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? पुर्तगाल में हुआ है। कहाँ हुआ है? पुर्तगाल में हुआ है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसको नियुक्त किया है? इम्पोर्टेंट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली हेतु सुरक्षा मित्र परियोजना लॉन्च किया है? सुरक्षा मित्र परियोजना लॉन्च किया है केरल ने। किस राज्य की मो बस नामक, मो बस जैसे आ जाएगा तो उड़ीसा मार देना है, मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है उड़ीसा। इम्पोर्टेंट है। 48वां जी शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। पहले इससे पहले कौन कौन था? पहला झारखंड है और दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा स्थान पर अब आ गया राजस्थान। टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बन गए हैं? टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का सदस्य बन गए हैं? गैबॉन। अंबुबाची मेला कहाँ होता है? असम में लगता है। टाटा पावर ने कहाँ में पानी की तैरती भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना लॉन्च किया गया है टाटा पावर के द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है केरल में। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज किसको पहनाया गया? खुशी पटेल। कहाँ की रहने वाली है? UK की रहने वाली है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब। CBDT के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? नितिन गुप्ता बन गए हैं। CBDT के नए अध्यक्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है, नितिन गुप्ता बन गए हैं। साओ जो आओ देखी से लग रहा है कि ये वेस्टर्न फेस्टिवल है, इसलिए ये कहाँ मनाया जाएगा? भारत के गोवा में मनाया जाएगा। दीपक पुनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कहाँ से पदक जीता है? किसे कैंपो गौडा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? MS कृष्णा, नारायण मूर्ति तथा प्रकाश पादुकोण। कैंपो गौडा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए किसको चुना गया है? MS कृष्णा, नारायण मूर्ति तथा प्रकाश पादुकोण। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सतीश चंद्र शर्मा ने। पोकरबाजी डॉट कॉम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद कपूर को बनाया है। जियो का चेयरपर्सन कौन बन गया है? चेयरमैन कौन बन गया है? आकाश अंबानी बन गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा में हनी टेस्टिंग लैब का शुरू उद्घाटन किया है? तो नागालैंड में शुरुआत किया है। ख़त्म हो गया जून माह का। रुक दो।